आई एम श्योर आप मोमोज तो खाते होंगे, बट क्या आपने कभी व्रत वाले मोमोज खाए हैं? जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत वाले मोमोज की बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी। और अगर आपका व्रत नहीं भी है तभी भी आपको ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। नवरात्रि सीरीज के 4th एपिसोड के लिए हम बना रहे हैं साबूदाना मोमोज। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आने वाली रेसिपीज को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साबूदाना यूज कर आप बहुत अच्छे मोमोज बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक कप साबूदाना को अच्छे से धो लेंगे, इसके बाद इसे भिगोना है। इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साबूदाना को भिगोने के लिए कितना पानी डालना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना को अच्छे से धो लिया है, इसमें बस अभी इतना पानी डालना है कि सारा साबूदाना अच्छे से कवर हो जाए। इसे 5 से 6 घंटे के लिए या फिर रात भर सोख होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सेसमे सीड यानी कि तिल, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फिर ऐड करेंगे 1 कप उबले हुए मैश्ड आलू, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इन्हें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा ताजा कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 चम्मच क्रश की हुई मूंगफली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने आलू मसाला बनाया है, आप चाहे तो पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं, या अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे नींबू का रस। गिव इट अ गुड मिक्स एंड इट्स डन। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना को ओवरनाइट सोक किया था, ये अच्छे से भीग गए हैं। इस तरह हाथ में लेकर प्रेस कर आप चेक कर सकते हैं। इसे हमें मैश करना है या आप चाहे तो 2-3 पल्स के साथ मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि साबूदाना में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी मोमोज बनाने के लिए हाथों को ग्रीस कर लेंगे, चाहे तो थोड़ा सा घी या तेल लगा लें या फिर पानी लगाकर ग्रीस कर लें। एक बड़ा चम्मच मिक्सर लेकर हाथ पर फैला लेंगे, जैसे आप पराठा स्टफ करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टफ करना है। इसमें आलू मसाला डालकर अच्छे से सील कर देंगे, कुछ इस तरह के राउंड बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आप साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी या फिर क्रिस्पी वड़े बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पे सारे मोमोज बना लिए हैं, अभी इन्हें स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में प्लेट रखकर इन्हें स्टीम कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये ओवर स्टीम नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये फट जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा च्यूई हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं मोमोज रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया, खाने में भी उतने ही डिलीशियस थे। सर्व करते समय आप इसके ऊपर थोड़ा सा चिली ऑयल डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चिली ऑयल बनाने के लिए गरम तेल में तिल और चिली फ्लेक्स डाल दें। थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है एंड खाने में तो क्या कहना, काफी अमेजिंग है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें एंड एंजॉय।